हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू मॉमी एंड फ्लरी टेल। आज है ट्यूसडे और मैं ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह सुबह। नाउ द टाइम इज़ 9:30 और विंटर की सुबह का थोड़ा सा मज़ा लिया जाए। बालकनी में थोड़ी सी हल्की पुल्की धूप आ रही है, तो इसलिए मैं थोड़ा धूप के तरफ अपना पीठ करके बैठी हूँ और फ्लरी के बेड भी मैंने थोड़ा धूप में निकाल दिया है ताकि ये दोनों भी थोड़ा धूप में बैठे। आ जाओ। बट फ्लरी बिजी है कियारा के साथ लड़ने में। लुक एट क्यू, लुक एट क्यू क्यू। टुडे दीपांजन इज ऑल्सो वर्किंग फ्रॉम होम, क्योंकि आज हमारा 40s में अपॉइंटमेंट है 3 o'clock विद अ स्पाइन एक्सपर्ट एंड न्यूरोसर्जन, जिनसे हम बस एक सेकेंड ओपिनियन लेना चाहते हैं ताकि फ्यूचर में और कुछ कॉम्प्लिकेशंस ना निकले इसके लिए। और उससे पहले भी बच्चों को लेकर थोड़ा निकलने का प्लान है। सो यू गाइज स्टे ट्यून्ड एंड एंजॉय दिस व्लॉग। गुड मॉर्निंग फ्लरी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो जैसे सुबह मैंने कहा कि थोड़ी सी प्लान है बेबीज को लेके निकलने की, पीछे देखो आज हम बहुत ही कम डिस्टेंस जा रहे हैं, इसलिए मैंने दोनों को पीछे बिठा के खुद आगे बैठी हूँ। वी आर गोइंग टू फिल पेट्रोल इन द कार, यहीं पे शेल्स के पेट्रोल पंप में जा रहे और सुबह सुबह निकलने का प्लान था। बट वही अभी ऑलमोस्ट 11:45, क्योंकि पहले कुक आते हैं फिर जो हेल्प है वो आती है, तो वो सब चक्कर में हमारा सुबह मतलब 12 बजे से पहले होता नहीं है ना। कुछ भी काम प्लान करो 12 बजे से पहले वो होता नहीं है। एंड प्लीज़ एक्सक्यूज माई हेयर, मैंने अच्छे से चम्पी गया आज कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल से, और शैम्पू करूँगी इसके बाद जाके। तो घर का खाना वाना बन के सब सेट है, 3 बजे हमारा अपॉइंटमेंट है, तो प्लान है कि घर जाके ना आके हम खाना खा लेंगे, क्योंकि खाना खा के इमीडिएटली निकलने में मुझे बड़ी दिक्कत होती है। कमेंट करके बताना अगर आपको भी ऐसा लगता है, तो मैं बिल्कुल खाना खा के ही निकल नहीं पाती, एक घंटा टाइम लगता है। नया खुल रहा है ना, खुल गया। हमें एक मेडिसिन शॉप में भी जाना है, एक मेडिसिन पिकअप करना है, वो हमें मिल नहीं रहा है घर के पास, इसलिए दीपांजन देखते देखते जा रहे हैं कि आसपास और कहीं मेडिकल शॉप है। फ्लरी बोशी जाओ भालो को रे, क्यों सो गई है आराम से, क्यों क्या आ क्या गयो। अभी मेरी क्यों स्मार्ट बन गई, अभी वो थोड़ा सा सीख गई कि कार में बैठने से डरने की कोई जरूरत नहीं है, कार में बैठ के हम घूमने ही जाते हैं। सो वी हैव रीच्ड द पेट्रोल पंप, चलो मैं फिर से बात करती हूँ कुछ देर में। We were young and we were free and running, never bothered about what could be coming. Every day we danced and life was smiling. We were young and drunk in love. तो एज यूजुअल हमारी फ्लरी बाहर निकल के बिल्कुल हीरोइन है और हमारी क्यूट डरपोक नंबर वन। तो फ्लरी बिल्कुल मजे ले रहे हैं यहाँ के सबके साथ, सब बुला रहे हैं और इनको भी मजा आते हैं। क्यू को भी दीदी के तरह वो विंडोज पे चढ़ना है, बट उसको थोड़ा हाइट भी छोटा है ना, वो थोड़ी सी डरती है इसके। पेट्रोल फिलिंग इज डन, अभी हम जा रहे हैं मेडिसिन का शॉप ढूंढने। और सुबह जो धूप के मैं इतनी मजे ले रही थी, अभी वो धूप बहुत ही इरिटेटिंग लग रहा है, क्योंकि धूप अभी काफ़ी कड़क हो गया है। सुबह एकदम हल्की धूप थी, उसके साथ हवा भी चल रहा था, तो इट वॉज गिविंग मी अ फीलिंग लाइक जैसे कोलकाता में विंटर मॉर्निंग्स होता है, वो फीलिंग आ रहा था। तो मैं बहुत मजे ले रही थी, अभी मुझे बहुत इरिटेटिंग लग रहा है। ओह माय गॉड, लुक एट दिस क्यूटूश। हाँ, जैसे ही फ्लरी ने देख लिया ना यहाँ पे हॉट डॉग, इसको हो गया, कार में रखना मुश्किल हो जाएगा इनको। दीपांजन एसी ऑन करके गया है, यहाँ पे है ये मेडिकल शॉप, यहाँ पे गया है दीपांजन। मामा सिटू, changes, but you show me life is full of faces. Sometimes clouds got in our favorite place. Made in Germany? हाँ। कौन सा मेडिसिन है ये? जो भी मेडिसिन है, it's manufactured in Germany and it's imported in India.
तो जो मैंने आप लोगों को दिखाया कि आपने नोटिस किया, यहाँ पे दो दुकान साइड बाय साइड है, बीमार शरीर को ठीक करने का और बीमार दिल को ठीक करने का, दोनों दुकान एकदम साइड बाय साइड है। तो पूरी चॉइस है पेशेंट के पास कहाँ पे जाना है। देखा नहीं तुमने, दिव्याश्री मेडिकल्स एंड एसएलआर वाइन शॉप, क्या बात है। और उसके बिल्कुल पास है पुलिस स्टेशन, उसके 100 मीटर के अंदर पुलिस स्टेशन भी है। हम सीधे क्यों जा रहे हैं? यू टर्न पे जाना है ना, वो वहां से नहीं ले सकते थे। आराम से चलो 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 चलो, शाबाश शाबाश शाबाश, हो गया। ये इल्लीगल यू टर्न था क्या? लीगल तो नहीं था। ये रोड इतना खाली, बहुत ही कम देखने को मिलता है। को ठीक किया है, देखा तुमने? हाँ, अभी कंडीशन थोड़ा अच्छा है। ठीक किया, उधर अभी तक ठीक नहीं हुआ है शायद। पहले भी इसी रोड से ऑफिस जाती थी, बट हमेशा यहाँ पे ट्रैफिक, हमेशा। एक चीज तो बताना ही भूल गई, सुबह रिकॉर्ड भी नहीं की, आज हमने बहुत मजेदार ब्रेकफास्ट किया है। सुबह हमने आज खाए साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट, बट वेरी टेस्टी, माइल्ड, उतना स्पाइसी नहीं था। वी हैड मसाला डोसा, वी हैड मेदू वड़ा, ही हैड मेदू वड़ा, आई हैड मसाला डोसा, एंड वी बोथ हैड पोंगल, घी पोंगल। मसाला डोसा भी आई हैड लाइक 25%। हाँ, उसने मुझसे थोड़ा सा टेस्ट किया, बट डोसे के अंदर कभी कभी रेड चटनी लगा देते, तो मुझे वो खाना बिल्कुल सुबह सुबह अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी लंच में खाना अच्छा लगता है, बट सुबह जो डोसा आया था, हमने ऑर्डर किया था कहाँ से, ए टू बी का डोसा, वो सुपर प्लेन वाइट डोसे के अंदर आलू का वो स्टफिंग, और वड़ा मैंने टेस्ट नहीं किया तो मुझे पता नहीं, बट कोकोनट चटनी वॉज टू टेस्टी। और उसके साथ जो मैंने खाई पोंगल, घी पोंगल, एकदम सादा पोंगल, जैसे मतलब सुबह का ब्रेकफास्ट होना चाहिए, एकदम ऐसा था, मज़ा आ गया आज ब्रेकफास्ट करके। सो घर पहुंच रही हूँ, घर पहुंचते हैं पहले, सबसे पहले शावर लूंगी, उसके बाद खाना खा के डॉक्टर के पास जाना है। आप अच्छा, लोगों को मैं अपडेट बालों में चंपी किया था ना, चंपी चंपी के बाद तुमने वो बाल मेरे सीट पे, हाँ, घिस दिया है मैंने, पूरे ऐसे ऐसे घिस दिया है। बेटियां कर सकती है, वो तो नादान है, तुम तो नादान नहीं हो ना? नहीं, मैं भी नादान हूँ ना, नहीं, शैतान हूँ। कुछ हुआ है? कुछ हुआ है? चुड़ैल आप लोग, शट अप। चल दिखाती हूँ तुझे चुड़ैल कैसे होते हैं, चल घर चला, दिखाती हूँ मैं तुझे। अरे समोसा का दुकान सुबह भी खुले, तुमने उस दिन मुझसे झूठ बोला। क्या झूठ बोला? मैं दोपहर को जा रहा था कहीं, बाहर जा रहा वो था कभी कभी चाय पीने, चुप रहो। मैंने बोला कि तुम ना दोपहर को समोसा लाके रख दो, मैं शाम को गर्म करके खा लूंगी, क्योंकि शाम को टाइम नहीं होगा, तुम कहीं रहोगे नहीं। मुझे बोला वो दुकान, तुम पागल हो, समोसा का दुकान 6 बजे से पहले खुलता नहीं है, और अभी देखो अभी खुला है दुकान। झूठे नहीं, दुकान चुड़ैल तू झूठे, दुकान खुलता है बट बनता नहीं होगा शायद। देखा, समोसा कचौड़ी सब बन गया है, ऐसा कभी हो सकता है? ठीक है यार, चुड़ैल मतलब चुड़ैल ठीक है, मैं चुड़ैल हूँ बट तुम झूठे हो। दिखाती हूँ मैं इसका घर जाके चुड़ैल कैसे होते हैं। चुड़ैल की बेटिया, क्या हो रहा है, जीभ निकाल के बैठे हैं, क्यों सो जाओ, गुड गर्ल। So as I told you in the last vlog, कि हम एक वाटर बॉटल ऑर्डर कर रहे हैं, सो वी ऑर्डर दिस फ्रॉम Amazon, एक्वा डॉग जस्ट स्क्वीज टू फील, होल्ड 18 ounces ऑफ वाटर। आज ही हुआ है इसका डिलीवरी, दीपांजन खोल के दिखाएगा। इसके बारे में मेरी एक सब्सक्राइबर एलन भी मुझे बताई थी, हमने भी काफ़ी सारे ऑप्शन देखने के बाद यही सिलेक्ट किया। पहले इसको धोना पड़ेगा अच्छे से। अरे वांटेड द पिंक कलर, डिड यू ऑर्डर द ब्लू वन? दोनों ऑप्शन। ओह, व्हाई इज इट प्लास्टिक? हाँ, ये प्लास्टिक ना हो के कुछ और होता तो अच्छा होता, बट जो भी प्लास्टिक बॉटल था वो सारे प्लास्टिक के ही थे। इट्स रिटन फिथ स्टैंडर्ड कप होल्डर, BPA फ्री प्लास्टिक, नॉन स्लिप ग्रिप, होल्ड 18 ounces। ओके, तो उसमें से यही मुझे सबसे कन्वीनियंट लगा, क्योंकि इसका जो ऊपर का कैप है जहाँ से पानी पियेंगे वो बिल्कुल ही बोल के तरह ही है। इतना सा घूम के टांग आउट, वाटर वाटर क्यों है, वाटर 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 क्यों, वाटर गुड गर्ल, गुड मामा, यू ट्राई, व्हाई मामा,
है. What happened? इसमें भी डर, इसमें भी डर लग रहा है. ये बड़ी टेंड्रम क्वीन है. क्यों ने ट्राई किया और पानी भी पी यहाँ से, बट फ्लरी एज यूजुअल बड़ी टेंड्रम क्वीन है. उसको कुछ भी पसंद नहीं आता, कुछ भी नहीं, हर चीज़ में नखरा, बिल्कुल बाप पे गई है. मम्मा इज़ वेरी इजी गोइंग. क्यों वो मेरे से सीखी है, क्योंकि क्यों बचपन से मेरे साथ ही रहती थी ज़्यादा टाइम, और फ्लरी रहती थी इसके साथ. मैं सबसे इजी गोइंग हूँ, ठीक है, ये बोले या ना बोले. तो ये क्यों ने मुझसे पाई है. और फ्लरी का मतलब हर चीज में नखरा, बचपन से ऐसी है. क्यों, यू आर चुड़ैल्स डॉटर. क्या बोला तुमने, चुड़ैल्स डॉटर. हां, चुड़ैल्स डॉटर. मामा, यू आर नोबलमैन्स डॉटर, कम हियर. नोबलमैन्स डॉटर, सो हाई मेंटेनेंस. फ्लरी इज रियली हाई मेंटेनेंस. सो इसका सिस्टम है, इसको यहाँ से स्क्वीज करो तो ऐसे पानी भर जाता है, छोड़ दो तो पानी नीचे चला जाता है. हाँ क्यों, तुमको और भी पानी पीना है, लो गुड गर्ल. हे गाइस, सो मीटिंग यू आफ्टर ऑलमोस्ट 2-3 आवर्स. नाउ इट्स 4:26 एंड वी आर डन विद आवर डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट. डॉक्टर ने भी वही कहा जो हमारे फर्स्ट डॉक्टर ने कहा था, एंड ही ऑल्सो सजेस्टेड इफ द पेन कम्स बैक ही सजेस्टेड फ्यू मोर मेडिकेशन एंड अ MRI नीड्स टू बी डन. सो दैट्स इट एज ऑफ नाउ. देर इज नथिंग, ओनली द फिजियोथेरेपी दैट आई नीड्स टू गो थ्रू. एंड अभी हम कहाँ जा रहे हैं पता है, बर्थडे गिफ्ट ले रहे हैं. सडनली दिस गाय सेड दिस मॉर्निंग कि अच्छा आज क्या तुम डॉक्टर के बाद कोई मॉल जाना चाहते हो. आई फील वेरी रिलेक्टेंट गोइंग टू हॉस्पिटल. मुझे डॉक्टर को सेपरेट चैम्बर में दिखाने में उतना पता नहीं क्यों, मेरे अंदर से वो हॉस्पिटल जाने के लिए बहुत कुछ तो मुझे रोकता है. सो फाइनली वी केम एंड ही सेड ओके, सो हॉस्पिटल के बाद कैन वी गो टू वेगा सिटी मॉल. तो ये टेम्पटेशन इसने मुझे दिया एंड दैट वॉज सच अ ल्यूक्रेटिव ऑफर. अभी हम सच में जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू वेगा सिटी मॉल. लेट्स सी क्या खरीद के दे रहे हो. पता नहीं यार, ये क्या बात है, पता नहीं मतलब. अरे वो कुछ मिलता है ना तो खाते हैं. खाबो आज का ना. हाँ कुछ खा लेंगे, बस हो जाएगा ट्रिप. मतलब हम लोग का सिर्फ वही प्लान, खाना, कहीं भी जाओ खाना खाकर वापस आ जाओ. नहीं, हम कुछ खरीदेंगे जरूर. बर्थडे गिफ्ट देगा बोल के लेके आया है, बट मुझसे कुछ पूछा भी नहीं है कि मुझे क्या चाहिए. पता नहीं, देखते हैं इस बार. बाहर बैठता ना, फटे हुए कपड़े. फटे हुए कपड़े कौन बेचता है मॉल में, फटे हुए कपड़े. वो बाहर बैठता है ना, देखो ना स्टोर लेके, फटे हुए कपड़े. तो यू मींस डिस्ट्रेस्ड जींस. हां, डिस्ट्रेस्ड टाइप ऑफ जींस ना. ना, सो विल गो टू लिवाइस. एक्सपेंसिव. तो ऐसे भी कोलकाता जाने का प्लान है, मुझे जींस भी लेना है, तो लिवाइस में चल के 4-5 तो आज ले ही लेती हूं. चलो, फटे हुए के फटे हुए भी हो जाएंगे, जींस भी हो जाएंगे. Slip into your dreams tonight. Oh, so give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Just watch me break in. शॉपिंग के बाद हमें लगी थी थोड़ी सी भूख, क्योंकि वी हैड वेरी लिटिल लंच. बहुत ही कम खा के निकले हैं. क्या खा रहे हो बता दो. ये चिकन बोनलेस ओवर राइस, ऐसे ही कुछ. अच्छा, एंड मैं खा रही हूँ बारबेक्यू चिकन लेग्स. लुक सुपर यमी एंड वी हैव आल्सो गॉट मिंट कूलर. Back home after almost 5 hours. Today I think is the longest when we left them alone, right?
क्योंकि मॉल में काफ़ी टाइम लग गया. बिहाइंड मी इज माई बर्थडे शॉपिंग. सब बर्थडे शॉपिंग नहीं है इसमें, कुछ ऐसे ही हमने. इफ यू हैव एवर विजिटेड द स्टोर ऑफ मिनीसो, इट इज अ न्यू स्टोर ओपन्ड. We definitely need a pet-friendly mall, shopping mall. Yes. A pet-friendly shopping mall where all the leading brands will be there, as well as you can go with your pets. Exactly. So we found a store called Yo-Yo-So, which is the exact copied version of Miniso, you know. And we got very cute stuff. Miniso is also same thing, like Chinese product mainly, and सब छोटे छोटे versions में मिलते हैं, and बहुत सारे useful चीज़ भी वहाँ पर मिलता है, बहुत सारे useful चीज़ें. तो वैसे ही कुछ हमने Yo-Yo-So से shopping किया जो बिल्कुल unplanned था, and also birthday के लिए कुछ तो shopping और हुआ जो मैं दिखाऊँगी आपको बाद में. Today I'll show you what we got from Yo-Yo-So, but not my birthday gifts, okay? Because उसका एक different vlog आएगा. सब एक ब्लॉग में दिखा दूंगी तो दूसरे ब्लॉग के कंटेंट क्या होगा. न्यू ब्लॉगर को कंटेंट की जरूरत नहीं होती है. ओहो हो, वो बोलता है तो कंटेंट बन जाता है. माय गॉड, ठीक है चलो. अभी घर आके हमने बिठा दिया है चाय, क्योंकि मुझे बहुत चाय की क्रेविंग्स हो रहे हैं, मेरे थोड़ा सर भी दर्द हो रहे हैं. चाय पी के हमें फिर से निकलना पड़ेगा. और मैं बच्चों का खाना बना रहा हूँ अभी जल्दी से, तो आज दोनों को जल्दी से खाना देना है, इसलिए मैंने चिकन दोनों ही आज स्वीट पोटेटो चिकन है ना. क्यों? क्यों के लिए तो पिकनिक है ना. हाय फाइन, क्यों बने ये गुड गर्ल. तो आज दोनों आलू चिकन खा रहे हैं, और हम पहले सोचे थे चाय बाहर से मंगवा लेंगे, बट वो आते आते एक घंटा लग जाएगा, इसलिए घर पे फटाफट. हाँ, हमें हमारे पास 10-15 मिनट है, हम फटाफट चाय पी के निकल जाएंगे. निकल के आप लोगों से बताती हूँ, आप लोगों को बताती हूँ. कभी कभी मैं गलत हिंदी बोलती हूँ, मुझे पता है, तो बताती हूँ कार में जाके कि कहाँ जा रहे हैं. क्या एक बार हाय बोले देवे, माय गुड गर्ल, एक बार बोले देवे. ओ मामा, एक बार हाय बोले दो, एक बार. क्यों एक बार हाय बोले रहो? ओरे बाबा, डिड यू गाइस सी दैट? माय नेक्स्ट जनरेशन ब्लॉगर्स आर रेडी. It's 8:35 and we have an appointment with a physiotherapist at 9 o'clock, right? We knew that today we have this schedule, that afternoon ko 40s mein, and 40s mein takes a lot of time. Actually it took a lot of time, kyunki 40s mein if you book an appointment with a specialist, then before that you need to talk to the junior doctors who practices under this specialist. सो वही हुआ, और जूनियर डॉक्टर्स के साथ बात करने के लिए भी ओपीडी में ऑलमोस्ट 1 hour, 1.5 hours वेट करवाते रहते हैं. दे विल टेल यू दैट यू विल मीट डॉक्टर एक्स, एंड बाय द टाइम यू रीच देयर यू विल एक्चुअली मीट डॉक्टर वाई. सो दैट्स हाउ इट इज़. वी डिडंट हैव दैट ग्रेट एक्सपीरियंस, और उतना वेट करने के बाद भी स्पेशलिस्ट विल स्पीक टू यू फॉर दे ही स्पोक टू अस फॉर 5 minutes मे बी. सो दैट्स हाउ इट वॉज. एनी वेज, जो हमारा काम था वो हो गया, जो जानना था वो हमने जान लिया, इसलिए वी एक्चुअली डोंट माइंड इट दैट मच. बट अभी हम जा रहे हैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास, और बैंगलोर में अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है. वी हैव एक्चुअली ट्राइड मैनी डिफरेंट ऑप्शंस. पहले हमने एपोलो से ट्राई किया, फिर हमने नाइटिंगेल से ट्राई किया, फिर हमने बहुत सारे और जगह पे बात किया जो घर पे आके सर्विस दे सकते हैं, क्योंकि वीकडेज में इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर हिम टू टेक मी हियर एंड देयर. एंड यू गाइस सी द रोड कंडीशन हियर, इट्स ऑल ओवर द कंस्ट्रक्शन वर्क गोइंग ऑन. तो ऑटो या कैब में एवरी डे आना जाना, वो भी बस 45-40 minutes के लिए, थेरेपी के लिए पॉसिबल नहीं है. थेरेपी में जितना ठीक होगा उतना तो रोड में जॉगिंग में खराब वो होगा. उसके साथ थेरेपी इटसेल्फ इज प्रीटी एक्सपेंसिव हियर. पर सेशन नो वन चार्जेस बिलो 700 rupees. तो उसके ऊपर से ऑटो और कैब में, ऑटो में तो आप जब भी चढ़ो 100 rupees, दैट्स अ फ्लैट रेट दे आस्क फॉर. तो यही इसके ये सब चक्कर में हम घर पे ढूंढ रहे हैं सर्विस. तो अभी वी आर गोइंग टू मीट वन फिजियोथेरेपिस्ट, वी हर्ड गुड रिव्यूज अबाउट हर. नाइटिंगेल से जो डॉक्टर आई थी, शी वॉज अ वेरी यंग लेडी, बट
यू नो मैं जब किसी से ऐसे पर्सनल केयर रिलेटेड कोई सर्विस लेती हूँ, मुझे थोड़ी सी उस चीज़ में मुझे लगता है कि बंदे में थोड़ा कॉम्पैशन होना चाहिए. दैट पर्सन शुड बी कॉम्पैशनेट इनफ टू लिसन टू योर प्रॉब्लम. एंड मुझे ऐसा है, हो सकता है कि मैं थोड़ा ज़्यादा ही देखती हूँ इस बारे में, मैं ज़्यादा सोचती हूँ, बट मुझे लगता है कि बंदा ऐसा होना चाहिए कि जिसके साथ बात करके ही आपको लगे कि हाँ आप ठीक हो जाओगे. दिस पर्सन विल बी एबल टू हील यू. Personal service है ना, almost. Personal care service has to be very compassionate, and somebody should be a good listener. Yeah. To listen to the, you know, the patient's problem basically. But if somebody is a bit of an attitude, then it becomes a problem. Nightingale also did not send anybody else. I think for this area they have only that lady. Yeah, this is saying that I have already reached. It's saying we have already reached, but we don't know where is it. We can't see anything here. Ah, there na. What is that na? That is Aparna Women's Clinic. Let's see guys, I'll talk to you guys in a bit. Hey guys, good morning. तो yesterday मेरा पूरा पूरा मन था कि मैं रात को वापस आके vlog करूँ, आप लोगों के साथ share करूँ कि what are the things we got from Yo-Yo So. But हुआ ऐसे कि जब मैं physiotherapist के पास जा रही थी तो camera मैं car में रख के गई थी, और जब हम कार पार्क करके ऊपर आ गए रूम में तो याद आया कि मैं कैमरा लाई नहीं, और हम इतने टायर्ड थे कि फिर पार्किंग में जाके कैमरा ला के उतना कुछ हमने नहीं किया. वी थॉट ओके नो प्रॉब्लम, व्हाट वी वांटेड टू शेयर लास्ट नाइट विल शेयर द सेम थिंग टुडे. तो अभी सुबह का स्टोरी ये है कि हम सब उठ गए हैं, अभी टाइम है 9:30, आज हम थोड़ा लेट उठे हैं, और मैंने यहाँ पर ब्रेकफास्ट भी बना लिया है जस्ट नाउ. I have made French toast this morning. और अभी हमारे कुक भाई अभी आ जाएंगे और हाफ एन आवर में. ये तो हाय बोली दीदी, ये इस क्यों क्यों कोने में छुप के बदमाशी कर रही है. हाँ, एंड फ्लरी, लुक एट फ्लरी, डैडीज गर्ल. देखा, दीपांजन घर पे है तो फ्लरी बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी दीपांजन के, चिपक के रहती है. चलो दिखाती हूँ क्या क्या खरीदा है हमने. सबसे पहले तो लुक एट द बैग, हाउ क्यूट इट इज. सो द फर्स्ट थिंग इज आई गॉट दिस एप्रॉन, आई लव दिस पेस्टल कलर वर्क, एंड दिस इज ऑल्सो मेड ऑफ नॉन टॉक्सिक मटीरियल विच इज एनवायरमेंट फ्रेंडली. दिस इज अ एरोमाथेरेपी कार परफ्यूम. नाउ इट इज यू आर वेरी वेरी फैसिनेटेड अबाउट कार परफ्यूम, सो दिस वन वी गॉट. पीछे सारे इंस्ट्रक्शंस है इसको कैसे यूज़ करना है. और एक कार परफ्यूम हमने लिया, दिस इज़ एयर आउटलेट सिंपल अरोमा थेरेपी, एंड द थिंग विच आई लव्ड इज दिस. यहाँ पे आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो देख के कि इसका सेंट कैसा है. वी हैव गॉट द फ्लोरल लेमन वन, इसका एक लैवेंडर वेरिएंट भी था, बट क्योंकि ये लैवेंडर है सो वी गॉट दिस वन इन फ्लोरल लेमन. आई गॉट वन बाथ मैट ऑल्सो, इसका कॉम्बिनेशन अच्छा लगा और ये काफ़ी सॉफ्ट भी है, अच्छा लग रहा है, क्वालिटी अच्छा है. दिस इज फॉर फ्लरी इन क्यूक्यू हेयर क्लिप्स, इसका लिया है 95 रुपीज. दिस इज अ स्मॉल मिरर जो मैंने लिया है अपने लिए. सी सो बस, तो ये छोटे छोटे चीज़ें हमने Yo-Yo So से शॉपिंग किया है. और जो चीज़ मुझे इस शॉप के बारे में बहुत अच्छा लगा, विच इज़ देयर पीपल डोंट बॉदर यू, नोबडी विल डू द पुश सेलिंग. दैट्स वन थिंग आई रियली लाइक्ड अबाउट दिस स्टोर. एंड ऑल्सो दे हैव अ लॉट ऑफ वराइटीज एंड मैनी डिफरेंट थिंग्स, यू नो, मैनी डिफरेंट यूजफुल थिंग्स विच वी डोंट जस्ट रिकलेक्ट इन आर डे टू डे लाइफ, बट वेन वी सी दैट थिंग वी फाइंड इट लाइक या दिस इज अ वेरी यूजफुल थिंग विच यू कुड बाय. एंड ऑल्सो यू विल गेट प्रोडक्ट्स एट अ वेरी रीजनेबल कॉस्ट. स्टोर बहुत अच्छे से डेकोरेटेड है, मैंने वीडियो में उसका क्लिप्स भी डाला है, तो ये बहुत अच्छा लगा. और सारी चीज़ें ना, चाहे चीज़ें इतनी छोटी सी इतनी बड़ी क्यों ना हो, चाहे उसका प्राइस 10 रुपीज़ हो या 1000 रुपीज़ हो, बट एवरी थिंग लुक वेरी स्टाइलिश एंड गुड. That's the thing I liked. Packaging and presentation is very good. तो इसलिए हमने कल छोटे मोटे चीज़, एक्चुअली दीपांजन और भी चीज़ें उठा रहा था, मैंने मना किया कि अभी कुछ मत लो, हम कोलकाता से घूम के आते हैं उसके बाद देखेंगे, फिर कभी आएंगे और लेंगे, अभी नहीं लो, अभी थोड़ा बहुत चीज़ें लेके देखते हैं यूज़ करके कि क्वालिटी कैसा है. सो ये अप्रॉन और बाथ मैट यूज़ करके देखूँगी कि क्वालिटी कैसा है, देख के लग रहा है अच्छा ही होगा.
एंड आई होप आपको अच्छा लगा ये शॉपिंग. ज़रूर बताना अगर आपने कभी भी ये स्टोर विजिट किया है तो आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना. हमें बहुत अच्छा लगा है इसलिए हमने आपके साथ शेयर किया. और ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको एक लाइक ज़रूर दे देना एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब इफ यू हैवंट इट. सो विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन. टिल देन स्टे हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय.